वेलकम टू ईन वर्ल्ड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वो तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका होता है ओल्ड क्वेश्चन पेपर में पूछे गए क्वेश्चन से वो तैयार कर रिमेम्बर करना जिससे एग्ज़ाम में वो कैबलरी किस लेवल का और किस टाइप का पूछा जाता है या पता चलता है किसी भी ऑब्जेक्टिव वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के दो तरीके होते हैं पहला आपको पूछे गए प्रश्न का आंसर पता हो और दूसरा यदि प्रश्न का आंसर पता नहीं है तब दिए गए प्रश्न के चार ऑप्शन में से कम से कम तीन का मीनिंग पता हो इस वीडियो में हम ओल्ड क्वेश्चन पेपर में पूछे गए क्वेश्चन से वो कैबलरी कवर करेंगे साथ ही क्वेश्चंस के आंसर को भी कवर करेंगे यह प्रश्न एसएससी सेक्शन ऑफिसर ऑडिट परीक्षा 1997 में पूछा गया था इसमें पता करना है दिए गए वर्ड का चार ऑप्शन में से सबसे परफेक्ट सिनोनिम कौन सा है चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न का वर्ड है ऑब्नॉगजियस ऑब्नॉगजियस का इंग्लिश मीनिंग है एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट ऑब्नोक्जियस का हिंदी मीनिंग है आपत्तिजनक घिनौना इस मीनिंग के आधार पर ऑब्नोक्जियस का परफेक्ट सिनोनिम है डिसगस्टिंग। ऑब्नोगजियस के अदर इंपॉर्टेंट सिनोनिम ऑफेंसिव डिसएग्रीएबल अनप्लेजेंट, नेस्टी डिस्टेस्टफुल एक्सेट्रा ऑब्नोक्जियस के एंटोनिम्स डिलाइटफुल, प्लेजेंट, चार्मिंग एक्सेट्रा अदर ऑप्शनल वर्ड की बात करते हैं डिप्रेसिंग डिप्रेश का इंग्लिश मीनिंग है मेकिंग वन फील सैड एंड विदाउट एंथजिस्म डिप्रेशन का हिंदी मीनिंग है तनावग्रस्त उदास निराशाजनक डिप्रेश के सिनोनिम्स है अपसेटिंग डिस्ट्रेसिंग पेनफुल हार्ट ब्रेकिंग ब्लिक डिस्पिरिटिंग डोंटिंग डियरी ग्लूमी एक्सेट्रा डिप्रेसिंग के इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स है एक्सीटिंग चेयरफुल ग्लैड कंफर्टिंग इनक्रेजिंग जॉयफुल हैप्पी ब्राइट एक्सेट्रा एनदर वर्ड है एरोगेंट एरोगेंट का इंग्लिश मीनिंग है बिहेविंग इन ए प्राउड एंड प्लेजेंट वे एरोगेंट का हिंदी मीनिंग है अहंकारी मगरूर एरोगेंट से बनने वाली इंपॉर्टेंट सिनोनिम है प्रीजमटस पॉम्पस एम्पेरियस हॉटी बॉसी कूकी कैलियर एक्सेट्रा एरोगेंट से बनने वाले इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स है हम्बल मॉडेस्ट साई टीमिड अनश्योर मिक सरवाइल एक्सेट्रा पहले प्रश्न का अगला ऑप्शनल वर्ड है फिल्थी फिल्थी का इंग्लिश मीनिंग है टी एंड अनप्लीजेंट फिलसी शब्द का हिंदी मीनिंग है बहुत ही खराब फिलसी शब्द से बनने वाले इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है मडी नेस्टी ग्रीमी ग्रूबी ग्रींजी स्क्वालिड डिस एक्सेट्रा फिलसी शब्द से बनने वाले इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स है क्लीन अनपॉल्यूटेड प्योर स्टेराइल एक्सेट्रा अगला सेकेंड क्वेश्चन है और सेकेंड क्वेश्चन का वर्ड है कोवेनेंट कोवेनेंट का इंग्लिश मीनिंग है इलीगल एग्रीमेंट आप इसे एन ऑफिशियल रिटर्न एग्रीमेंट कह सकते हैं कोवेनेंट का हिंदी मीनिंग है इकरारनामा अनुबंध पत्र नियम पत्र इस मीनिंग के आधार पर कोवेनेंट का परफेक्ट सिनोनिम है कॉन्ट्रैक्ट कोवेनेंट से बनने वाले इम्पोर्टेंट सिनोनिम हैं कॉम्पैक्ट कन्वेंसन स्टिपुलेशन एग्रीमेंट बॉन्ड एक्सेट्रा कोवेनेंट से बनने वाले इंपॉर्टेंट एंटोनिम हैं रिफ्यूज़ल डिनाइल डिसएग्रीमेंट एक्सेट्रा अदर ऑप्शनल वर्ड पर आते हैं केस केस का इंग्लिश मीनिंग है ए पर्टिकुलर सिचुएशन केस की हिंदी मीनिंग की बात करते हैं दशा अवस्था स्थिति केस से बनने वाले इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है सिचुएशन पोजिशन एक्सेट्रा केस शब्द से बनने वाले इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स है कीप आउट एक्सक्लूजन एक्सेट्रा सेकेंड क्वेश्चन का अगला ऑप्शनल वर्ड है कूपन कूपन का इंग्लिश मीनिंग होता है ए स्मॉल पीस ऑफ प्रिंटेड पेपर दैट कैन बी एक्सचेंज फॉर समथिंग। कूपन का हिंदी मीनिंग रसीद परचा होता है अगला वर्ड है सेटलमेंट सेटलमेंट का इंग्लिश मीनिंग होता है एन ऑफिशियल एग्रीमेंट दैट इन्स एन आर्गूमेंट बिटवीन टू पीपल आर ग्रुप्स सेटलमेंट का हिंदी मीनिंग समझौता निपटारा है सेटलमेंट के सिनोनिम्स एग्रीमेंट अरेंजमेंट डील एक्सेट्रा है सेटलमेंट से बनने वाले इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स है डिसएग्रीमेंट, मिसअंडरस्टैंडिंग, कन्फ्यूजन एक्सेट्रा है अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के वर्ड की थर्ड क्वेश्चन का वर्ड है डेफ्रेंस यह डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स वाला डिफरेंस नहीं है यह डेफरेंस है इसका इंग्लिस मीनिंग है बिहेवियर दैट शो दैट रेस्पेक्ट समबड़ी इसका हिंदी मीनिंग है सम्मान इज्जत इस मीनिंग के आधार पर डेफरेंस का बेस्ट सिनोनेम है रेस्पेक्ट डेफरेंस से बनने वाले इम्पॉर्टेंट सिनोनेम हैंनर एप्रिसिएशन डिग्निटी कंसीडरेशन एक्सेट्रा डेफरेंस से बनने वाले इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स है क्रिटिसिज्म नेग्लेक्ट डिसऑनर इग्नोरेंस डिसरेस्पेक्ट एक्सेट्रा अगला ऑप्शनल वर्ड है इनडिफ्रेंस इंडिफरेंस का इंग्लिश मीनिंग है ए लैक ऑफ इंटरेस्ट इंडिफ्रेंस का हिंदी मीनिंग है उदासीनता बेपरवाही इनडिफ्रेंस से बनने वाले इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है एलाइनेशन, डिसइंटरेस्ट, डिसरिगार्ड, डिसरीगार्ड केयरलेसनेस इन अटेंसन एक्सेट्रा इनडिफ्रेंस से बनने वाले इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स है अटेंशन, कंपैशन, कंसर्न एस्टीम एक्सेट्रा थर्ड क्वेश्चन के अदर ऑप्शनल वर्ड की बात करते हैं सिम्पैथी सिम्पैथी का इंग्लिश मीनिंग है द फीलिंग ऑफ बींग सॉरी फॉर समबडी सिंपैथी का हिंदी मीनिंग है हमदर्दी सहानुभूति सिंपैथी शब्द से बनने वाले इंपॉर्टेंट सिनोनिम है एफिनिटी काइंडनेस एम्पैथी टेंडरनेस एक्सेट्रा सिंपैथी शब्द से बनने वाले इम्पॉर्टेंट एंटोनिम्स है एपैथी क्रुएल्टी हार्सनेस हेटरेड एंटोगोनिज्म एक्सेट्रा थर्ड क्वेश्चन का अदर ऑप्शनल वर्ड है फ्लैटरी फ्लैटरी का इंग्लिश मीनिंग है प्रेस दैट इज नॉट सिंसेर फ्लैटरी शब्द का हिंदी मीनिंग है खुशामद चापलूसी फ्लैटरी शब्द से बनने वाले इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है एडुलेशन, कमेंडेशन ब्लेंडिसमेंट एनकोमियम कैजोलरी एक्सेट्रा फ्लैटरी शब्द से बनने वाले इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स है ब्लैम कंडेमनेसन इंसल्ट क्रिटिसिज्म बी लिटिल एक्सेट्रा अगला है फोर्थ क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन का वर्ड है एब्रोगेट एब्रोगेट का इंग्लिश मीनिंग है टू ऑफिशियल इंडियन लॉ एब्रोगेट का हिंदी मीनिंग है रद्द करना इस मीनिंग के आधार पर एब्रोगेट का बेस्ट सिनोनिम है रिपील एब्रोगेट से बनने वाले अदर इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स है एबोलिस इनवैलिडेट, नूलिफाई एनुल रेनेज क्वास एक्सेट्रा एब्रोगेट का इम्पॉर्टेंट एंटोनिम्स है अप्रूव पास परमिट अलो वैलिडेट सेंकसन इैक्ट एक्सेट्रा अदर वर्ड है डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय का इंग्लिश मीनिंग है टू डैमेज समथिंग सो बैडली डेट इट नो लॉन्गर एग्जिस्ट डिस्ट्रॉय का हिंदी मीनिंग है नष्ट करना खत्म करना नाश करना डिस्ट्रॉय वर्ड से बनने वाले सिनोनिम्स है इंड डैमेज क्रश इरेडिकेट एक्सेट्रा डिस्ट्रॉय वर्ड से बनने वाले इम्पॉटेंट एंटोनिम्स है क्रिएट फिक्स कंस्ट्रक्ट बिल्ड एक्सेट्रा फोर्थ क्वेश्चन का अदर ऑप्शनल वर्ड है डिले डिले का इंग्लिश मीनिंग होता है ए पीरियड ऑफ टाइम व्हेन समबडी हैज टू वेट बिकॉज ऑफ ए प्रॉब्लम डिले का हिंदी मीनिंग है विलंब करना देरी करना डिले वर्ड से बनने वाले इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स है वेट लेग पोस्टपोनमेंट स्टॉपेज एक्सेट्रा डिले वर्ड से बनने वाले इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स है कंटिन्यूएशन बिगनिंग लिब्रेशन एक्सेट्रा अगला वर्ड है डिसमिस डिसमिस वर्ड का इंग्लिश मीनिंग है

होल्ड रिटर्न परमिट लिगलाइज एक्सेट्रा अगला है फिफ्थ क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन का वर्ड है इंटरेपिड इंटरेपिड का इंग्लिश मीनिंग है नॉट अ फ्रेड ऑफ डेंजर आर डिफिकल्टीज इंट्रेपिड का हिंदी मीनिंग है निर्भीक बहादुर साहसी निडर इंटरेपिड मीनिंग के आधार पर इंटरेपिड का बेस्ट सिनोनिम है फियरलेस इंटरेपिड वर्ड से बनने वाले इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं कोरेजियस हेरॉइक प्लकी एक्सेट्रा इंटरेपिड वर्ड से बनने वाले इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स है टीमिड कोवर्डली फीयरफुल मीक अफ्रेड एक्सेट्रा फिफ्थ क्वेश्चन का अदर ऑप्शनल वर्ड है एम्बीशियस एम्बीशियस का इंग्लिश मीनिंग है something that one want to do or achieve very much ambitious का हिंदी मीनिंग है अभिलाषा महत्वाकांक्षी ambitious वर्ड से बनने वाले इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है aggressive enthusiastic earnest etc ambitious वर्ड से बनने वाले इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स है lethargic unenthusiastic facile etc फिफ्थ क्वेश्चन का अदर ऑप्शनल वर्ड है डेटरमिनेट डेटरमिनेट का इंग्लिश मीनिंग है इफ़ वन इज डेटरमाइंड टू डू समथिंग। डेटरमिनेट का हिंदी मीनिंग है दृढ़ संकल्पी डिटर्मिनेट वर्ड से बनने वाले इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है सीरियस सिंगल माइंडेड परपजफुल एक्सेट्रा डिटर्मिनेट शब्द से बनने वाले इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स है अनडेटर्मिनेट चेंजेबल फ्लैक्सेबल एल्डिंग एक्सेट्रा अगला ऑप्शनल वर्ड है टॉकेटिव टॉकेटिव का इंग्लिश मीनिंग है लाइकिंग टू टॉक ए लॉट टॉकेटिव का हिंदी मीनिंग है बातूनी वाचाल टॉकेटिव वर्ड से बनने वाले इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है ग्लिब चैटी लोक्यूशियस एक्सेट्रा टॉकेटिव वर्ड से बनने वाले इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स है क्वाइट साइलेंस, अन टाकेटिव एक्सेट्रा इन प्रश्नों के वर्ड के परफेक्ट सिनोनिम को एक बार और रिपीट करते हैं पहले प्रश्न का वर्ड है ऑब्नॉगजियस ऑब्नॉगजियस वर्ड का परफेक्ट सिनोनिम है डिसगस्टिंग सेकेंड क्वेश्चन का वर्ड है कोवेनेंट कोवेनेट वर्ल्ड का परफेक्ट सिनोनिम है कॉन्ट्रैक्ट थर्ड क्वेश्चन का वर्ड है डेफरेंस डेफरेंस वर्ल्ड का परफेक्ट सिनोनिम है रेस्पेक्ट फोर्थ क्वेश्चन का वर्ड है एब्रोगेट एब्रोगेट वर्ल्ड का परफेक्ट सिनोनीम है रिपील फिफ्थ क्वेश्चन का वर्ड है इंटरेपिड इंट्रेपिड वर्ल्ड का परफेक्ट सिनोनीम है फियरलेस यदि आपका कोई सुझाव या प्रश्न है तो कमेंट कीजिए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन थैंक यू फॉर वॉचिंग